राधे राधे दोस्तों, बबीता जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको इडली बना के दिखाएंगे। उड़द दाल को रात भर भिगो के छोड़ देंगे और उसे पीस लेंगे ग्राइंडर में। एक बाटी में निकाल लेंगे, उसमें एक बाटी सूजी और बेटर में आधा चम्मच इनो डाल देंगे, आधा बाटी दही डाल देंगे। डाल के इसको अच्छा से मिला करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। इधर इडली स्टैंड में तेल लगा देंगे, अच्छा से लगा के सारे बेटर को इसमें डाल देंगे। फिर उधर दूसरे साइड कुकर में 1 गिलास पानी डाल के उसको गर्म कर लेंगे। उसमें इडली स्टैंड को बैठा देंगे और कुकर में सीटी नहीं लगा के इसको लगा देंगे। उसके बाद एक चक्कू के सहारे से देखेंगे ये हुआ है कि नहीं। जब ये चक्कू अच्छा से निकल जाए बाहर तो ये हो चुका है। इसको 20 मिनट ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छा से ठंडा हो जाए, धीरे धीरे चक्कू के सहारे से इसको इडली को निकाल लेंगे। देखिए फूला फूला बहुत अच्छा से बन के तैयार हो गया इडली। सांभर और चटनी का वीडियो, लॉन्ग वीडियो जल्दी ही आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों।